हेलो माय डियर किड्स एंड पेरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल माय पाठशाला। यह वीडियो उन पेरेंट्स या बच्चों के लिए है, खासकर उन पेरेंट्स के लिए जो अपने बच्चों को इंग्लिश में अच्छे से पढ़ा नहीं पाते हैं। तो मैं ओलंपियाड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की तैयारी कैसे की जाए क्लास फर्स्ट के लिए, वो अपने चैनल पर अभी बता रही हूँ। वो भी स्कूल सिलेबस से चैप्टर वाइज में एक्सप्लेन करते हुए ओलंपियाड एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए उसकी प्रैक्टिस सीट लेकर आती हूँ, ताकि आप अपने बच्चों को अच्छे से प्रैक्टिस करवा कर घर पर ही इसकी तैयारी करवा सकते हैं। हमारे चैनल पर आपको मैथ्स, कंप्यूटर्स एंड लॉजिकल रीजनिंग के प्रैक्टिस सीट एंड चैप्टर मिलेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल पर जाकर चैप्टर वाइज स्कूल सिलेबस से अपने बच्चों को तैयारी करवाइए। आज हमारा चैप्टर 7 कंप्यूटर्स में है, इंट्रोडक्शन टू एमएस पेंट प्रैक्टिस सीट्स फर्स्ट हम लेकर आ जा रहे हैं। इससे पहले हमने इंट्रोडक्शन टू एमएस पेंट को के चैप्टर को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए हैं, उसे आप जाकर एक बार अवश्य देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सीट फर्स्ट। द पेंट इज ए पार्ट ऑफ, ऑप्शन है एमएस वर्ड, ऑप्शन बी एमएस विंडो, ऑप्शन सी नोट पैड एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी एमएस विंडो। पेंट जो है एमएस विंडो का ही एक भाग है। क्वेश्चन नंबर 2, ऑन क्लिकिंग ऑल प्रोग्राम्स अ न्यू सब मेनू, ऑप्शन ए क्लोजेज, ऑप्शन बी अपीयर्स, ऑप्शन सी स्विफ्ट एंड ऑप्शन डी डिलीट्स। जब हम ऑल प्रोग्राम पर क्लिक करते हैं तो न्यू सब मेनू क्या होता है, क्लोज हो जाता है, अपीयर्स होता है, स्विफ्ट होता है या डिलीट होता है। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी अपीयर्स। क्वेश्चन नंबर 3, क्लिपबोर्ड कंटेंस, ऑप्शन ए कट, ऑप्शन बी कॉपी, ऑप्शन सी पेस्ट एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। क्लिपबोर्ड में क्या क्या रहता है, कट, कॉपी, पेस्ट या ऑल ऑफ दिस? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। क्लिपबोर्ड में कट, कॉपी, पेस्ट तीनों ऑप्शंस रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फिल द कलर इज प्रेजेंट इन, ऑप्शन ए क्लिपबोर्ड, ऑप्शन बी टूल्स ग्रुप, ऑप्शन सी इमेज ग्रुप्स एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। फिल विथ कलर जो है प्रेजेंट रहता है किस में, क्लिपबोर्ड में, टूल्स ग्रुप में, इमेज ग्रुप में या नन ऑफ दिस? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी टूल्स ग्रुप। टूल्स ग्रुप में फिल विथ कलर ऑप्शन प्रेजेंट रहता है। क्वेश्चन नंबर 5, पेंट इज डेवलप्ड बाय, ऑप्शन ए इंटेल, ऑप्शन बी माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन सी सैमसंग एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। पेंट को किसने डेवलप किया, किसके द्वारा डेवलप किया गया है पेंट को, इंटेल के द्वारा, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा, सैमसंग के द्वारा या ऑल ऑफ दिस? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा पेंट को डेवलप किया गया। क्वेश्चन नंबर 6, पेंट विंडो हैज़, ऑप्शन ए एसेसरीज, ऑप्शन बी ऑल प्रोग्राम्स, ऑप्शन सी ड्राइंग बोर्ड एंड ऑप्शन डी स्टार्ट मेनू। पेंट विंडो के पास क्या होता है, करेक्ट आंसर इज ड्राइंग बोर्ड। पेंट विंडो के पास एक ड्राइंग बोर्ड होता है जिस पे हम ड्राइंग कर सकते हैं और उस ड्राइंग को फिर हम फिल कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एडिट कलर, ऑप्शन इज प्रेजेंट इन, ऑप्शन ए टूल्स, ऑप्शन बी इमेज, ऑप्शन सी शेप्स एंड ऑप्शन डी कलर्स। एडिट कलर ऑप्शन प्रेजेंट होता है किस में होता है, टूल्स में, इमेज में, शेप में या कलर्स में? एडिट कलर ऑप्शन, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी कलर्स में होता है।
क्वेश्चन नंबर 8 टूल ग्रुप्स हैज कट पेस्ट रिसाइज मैग्नीफायर। टूल ग्रुप्स के पास क्या होता है, कट रिसाइज पेस्ट या मैग्नीफाई। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी मैग्नीफायर। टूल ग्रुप के पास मैग्नीफायर होता है। क्वेश्चन नंबर 9 अरेंज द गिवन स्टेप्स इन करेक्ट ऑर्डर टू ओपन एमएस पेंट प्रोग्राम इन योर कंप्यूटर। ऑप्शन 1 क्लिक ऑन स्टार्ट बटन, ऑप्शन 2 सेलेक्ट प्रोग्राम्स, ऑप्शन 3 क्लिक ऑन पेंट ऑप्शन एंड ऑप्शन डी क्लिक ऑन एसेसरीज। ऑप्शन ए 1 2 4 3, ऑप्शन बी 2 and 3 4, ऑप्शन सी 2 4 3 1 एंड ऑप्शन डी 1 4 1 2 3। इसे हम किस क्रम में अरेंज करेंगे कि जिसकी हम करेक्ट ऑर्डर में एमएस पेंट प्रोग्राम को कंप्यूटर में ओपन कर सकें। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए 1 2 4 3। क्लिक ऑन स्टार्ट बटन, देन सेलेक्ट प्रोग्राम, देन क्लिक ऑन एसेसरीज एंड लास्ट क्लिक ऑन पेंट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 सेलेक्ट द करेक्ट मैच। ऑप्शन ए इट इज़ यूज टू ड्रॉ फ्री हैंड ड्राइंग, ऑप्शन बी इट इज़ यूज टू ड्रॉ सर्कल्स, ऑप्शन सी इट इज यूज टू ड्रॉ स्ट्रेट लाइन्स एंड ऑप्शन डी इट इज यूज टू ड्रॉ रेक्टेंगल। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी इट इज यूज टू ड्रॉ स्ट्रेट लाइन। लाइन टूल्स के द्वारा हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। दिस इज करेक्ट मैच। आज के लिए इतना ही। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके अवश्य बताइए, और साथ ही हमें यह भी बताइए कि आप नेक्स्ट कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं, उस पर मैं वीडियो अवश्य बनाऊंगी। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन दबाना न भूलें, जिससे कि आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।